अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज। और जैसा कि टी कप्स के प्लेटफॉर्म पे आपसे वादा किया गया था कि हम लोग कुछ ऐसी पाकिस्तान की स्टोरी सामने लेके आएंगे कि जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके। इस सिलसिले में पहले जो हमारी प्लानिंग थी टी कप्स स्टार्ट करते वक्त, वो ये थी कि हम लोग उन लोगों को, रोड साइड लो प्रोफेशंस को, हम लोग उन लोगों को स्टूडियोज में लेके आएंगे, अपने स्टूडियोज में लेके आके उनसे बातें करेंगे, उनकी वो स्टोरीज एक्सट्रैक्ट करेंगे उन्हीं की जुबानी में। लेकिन जब हम लोग मार्केट में निकले और हम लोगों ने इन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, ऐसे लोगों को, फॉर एग्जांपल रिक्शे वालों को, रेड़ी वालों को, वार्डन हो गए, वेटर हो गए, कुक हो गए, जो डिफरेंट ढाबों पे काम कर रहे थे, तो वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे अपने इस चीज़ को लेके कि हम लोग एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उधर क्या होगा, कैसे होगा। और प्लस उनकी जो रोज की वो एक, जिसको वो दिहाड़ी कहते हैं, वो मिस आउट हो जाएगी और शायद हम लोग कुछ ना दें उन लोगों को, कुछ इस तरह का उन लोगों के दिमाग में, दिलों में थी बातें, जिसकी वजह से वो हमारे साथ आने से कतरा रहे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, एक और प्लान बनाया जो प्लान बी था हमारा, उसके ऊपर हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम लोग खुद बाहर निकलेंगे, हम लोगों के कुछ दो तीन टीममेट्स बाहर जाएंगे और उनको उन्हीं की एनवायरनमेंट में बैठ के उन्हीं के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एम स्टोरी निकालना था, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनाना था उन लोगों को, तो हम लोग उनकी एनवायरनमेंट में जाके उनसे बात करेंगे और वो स्टोरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक और टीम बनाई जिसके अंदर मैं खुद था, एक हमारे कैमरामैन थे, दो तीन और बंदे थे जो लाइट्स वगैरह के ध्यान रख रहे थे। तो हम लोगों ने एक टीम ये वाली बनाई और हम लोग बाहर निकले और हम लोग कुछ रेस्टोरेंट्स पे और रोड साइड के एक रेडी वाला और रिक्शे वाले से भी मिले। इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ वीडियो शूट आउट्स की हैं और कुछ स्टोरीज एक्सट्रैक्ट की हैं हम लोगों ने अपनी तरफ से, काफ़ी जोर और काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए एक स्टोरीज लेके आने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को वो एक, हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म किसी तरह से सूट कर जाए। इस सिलसिले में जो है वो हम लोग सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में गए थे जिधर हमें एक वेटर मिले थे, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनकी स्टोरी देख लें, हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे और फिर इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं कि इसमें क्या इंस्पिरेशन, क्या मोटिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम, एक नई एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं आज अब्बास रेस्टोरेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद, क्या नाम है यार, मोहम्मद आसिफ। और आज हम इनसे एक स्टोरी सुनेंगे, ये यहाँ के वेटर हैं और उम्मीद है कि ये वाली इनकी स्टोरी जो है आप में से किसी के लिए भी मोटिवेशन बने या इंस्पिरेशन बनेगी। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग पाकिस्तान की कुछ स्टोरी सामने लेके आएंगे जिनसे आप लोग इंस्पिरेशन ले सको और जो कि आज तक अनसुनी है। तो आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैंने आपसे ये पूछना था, ये वैसे थोड़ा सा घबरा भी गए थे तो हमने एक तो थोड़ा सा जरा मोटिवेट किया। मैंने पूछना था कि आप किस तरह, आप हैं कहाँ से? शक्करगढ़ से। आप शक्करगढ़ से लाहौर तक का सफर किया आपने और फिर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या बस होगा? गाड़ियों की वजह से इसलिए यहाँ पे आ गया, काम बहुत ही वहाँ पे बहुत अच्छा। हाँ, ये एक शादी वगैरह का मैं यहाँ लगा सर्विस बीस कब से कर रहे हैं? मैं भी इतना 10 साल हो गए, 10 साल हो गए तो ग्रेजुएट ही कर रहे हैं। तो आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। तो कैसे आप गुजारा कर रहे हैं, वो जो आप कमाते हैं वो आपने अपनी फैमिली में भी देना है, बीवी बच्चे भी पालने हैं, फिर अपना गुजारा भी करना है, घर से दूर है, अपने उस इलाके से दूर है, किस तरह करने को जरा बताएं। वो भाई मेरे कुछ ना कुछ हमने ठीक है ना, अच्छा वो पापा और मामा जी ना वो सारा सही हम जी ने कभी नहीं पता इधर बदला जाती ऐसा बात है, मैं छोटा सा जब मैं स्कूल में छोड़ दिया बाहर पढ़ा, मैं
शादी
एक
उस लाइफ में ही आपको संतुष्ट रहना है और दिल नहीं हारना चाहिए। जिस दिन आप दिल हार गए उस दिन आप बिल्कुल बैठना, तो उसके बाद उसकी। जैसा कि आपने देखा मोहम्मद आसिफ की स्टोरी बहुत परेशान और गमगीन थे, पर इन इनसे ना ये इंटरव्यू लेने से पहले मेरी कुछ बातचीत भी हुई थी, क्योंकि हम लोगों को कन्वेंस भी करना होता है कि आप अपनी स्टोरी शेयर करनी है आपकी, और इस तरह काफ़ी लोगों को तहफ़ुज़ात होते हैं इस बात पे कि नहीं नहीं मैंने नहीं बोलना, तो ये भी इसी तरह थोड़ा हिचकिचा रहे थे। पर क्योंकि हम लोगों ने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन निकालनी है और उन लोगों के लिए जो शायद उस जैसे लड़के कुछ घरों में बैठे हों, कुछ गाँव में जो पुराने उसको फॉलो कर रहे होते हैं और वो घरों से नहीं निकलते, मेहनत नहीं कर पाते, उन लोगों को कुछ ना कुछ एक स्पार्क चाहिए होता है कुछ स्टार्ट करने से पहले। तो एनीवेज हम लोगों ने इनको कन्विंस किया, इनको बिठाया अपने साथ, मैंने काफ़ी देर इनसे इंटरव्यू से पहले बात स्टार्ट की और इनको कहा कि आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो शायद किसी और को भी हो सकती हैं, और हो सकता है आपकी ये स्टोरी सुन के वो अपनी मजबूरी को डिफीट कर सके, ओवरकम कर सके। तो एनीवेज ये तैयार हो गए। अब जैसा कि ये बताए थे कि इन्होंने जब स्टार्ट किया वो घर से, पहले तो मेरे लिए मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस बात का कि घर से दूर रहना या घर से निकल के कुछ अचीव करने जाना, जब आप कुछ अचीव करने जाते हो घर से दूर होते हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बहुत चेंजेस आती हैं आपके अंदर, आप परेशान होते हो कभी कभी, तो एकदम से ना वो होम सिकनेस टाइप वाला सीन होता है, एकदम से आप होड़क उठती है कि किधर है मेरी माँ, किधर है मेरे पापा, बहन भाई, और इस तरह का। तो पहले तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी, जो लोग घर से दूर हैं उन वो एक सबक बनते हैं उनके लिए, जो घरों पे आशी कर रहे हैं, घर पे बैठ के सब कुछ सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। एनीवेज मेरा ख्याल से सबसे पहले तो इस बंदे को इस बात पे सल्यूट की, पता नहीं कितने साल से घर से दूर है और उनके लिए कमा रहा है, अपने घर को सपोर्ट कर रहा है और वो काम कर रहा है जो कि मेरा ख्याल से सबसे डिफिकल्ट। एक वेटर होना एक रेस्टोरेंट में बहुत मुश्किल बात होती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, कुछ बुरे होते हैं जो आपको ओए ओए करके बुलाते हैं, आपको बुरा लगता है, और कुछ अच्छे भी होते हैं जो बहुत प्यार से भी बात करते हैं। अब जो बुरे लोग होते हैं और आपसे ओए ओए करके बात कर रहे हैं या आपको एवं पुकार रहे हैं और इस तरह की हुटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ और काफ़ी सारे लोग होते हैं, मेरा मानना ये कि हर बंदे में एक सेल्फ इस्टीम, एक ईगो होती है, वो चाहता है कि उसको ओए ओए करके ना बुलाया जाए या उसको आवाज़ें ना कसी जाएँ, पर पता नहीं ये कैसे, ये वाकई अल्लाह ताला की वो एक अलग ही मखलूक है जो ये सब कुछ बर्दाश्त करती है, और मेरे ख्याल से एक मजबूरी के तहत आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। एनीवेज फिर ये अपनी स्टोरी में जिस तरह आपने सुना है आप मूव ऑन करते हैं, लाइक अपने आप को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। अब इसके अंदर मोटिवेशन इनकी क्या बनती है किसी को नहीं पता, ये भी एक अंदर की स्टोरी है जो कि मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। ये रात को कब सोते होंगे ये खुद बता भी रहे थे कि ये रोते भी थे कुछ कभी कभी रातों को, कितने घंटों का काम करते थे, कैसे सहते थे वो, फिर रात को जाके नींद पूरी करना बहुत बड़ी स्ट्रगल है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी स्ट्रगल है, फिर कोई पूछने वाला ना हो और आप किसी के साथ शेयर ना कर सकते हो, एंड सेकेंडली आपके ऊपर एक बॉस भी बैठा हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज ये वो सब कुछ सहते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अब अगर कोई कहे कि आए मतलब मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं वो मुझे कहें कि ये नहीं बोल रहे हैं, अब क्या मोटिवेशन है, क्या इंस्पिरेशन है, तो और साथ में जवाब ये दें कि ये तो इसका काम है कि ये वेटर है, इसको इसके पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको भी कोई काम करने के पैसे मिलते होंगे लेकिन आप काम चूज करते हो, और मेरे जैसे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, माँ बाप होते हुए भी सपोर्ट ना कर पा रहे हो वो एक ऐसी मजबूरी होती है कि जिसमें आपको घुसना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। एनीवेज फिर इनकी परेशानी, खैर ये पता नहीं किस तरह ओवरकम करते थे वो अभी तक एक क्वेश्चन ही है। एनीवेज पर ये मूव ऑन करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी शादी हुई, मतलब ये लोग इतने थोड़े बहुत वो हो गए थे अभी तक, खैर वो बता भी रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो जो चीज़ें लेन देन होता है बीवी की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से वो सही तरह से नहीं हुआ हुआ अभी कुछ, मतलब इन लोगों ने जेवर नहीं डाला हुआ, उन लोगों ने शायद कुछ हेज वगैरह का कोई इतना वो नहीं किया हुआ,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद अब ये कहते हैं कि मेरी शादी हुई किसी तरह भी, अल्लाह की तरफ से जिस तरह भी रिश्ता तय पाया वो हुआ। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि वो जो माँ बाप का प्यार था वो मुझसे थोड़ा थोड़ा लाइक अलग हो रहा है, या वो मुझे मिल नहीं रहा उस तरह जिस तरह पहले शादी से पहले एक बच्चे को मिलता है प्यार, वो शादी के बाद नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना यह है कि परेशानी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ऐसा है कि आपको वो थोड़ा बहुत एक बैरियर सा बीच में आ जाता है, क्योंकि आपके एक नया पार्टनर आ जाता है घर में, एक नया फर्द आ जाता है, और फिर आपके माँ बाप के दरम्यान में थोड़ा सा वो गैप बिल्डअप होता है। लेकिन ये कि इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, लाइक ये नहीं फील करना चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कोई, क्योंकि परेशान होके अगर परेशान जब आती है तो परेशान अगर जब आप होते हो तो दिमाग बंद हो जाता है और फिर अजीब अजीब सोचता है। ये मेरे साथ होता रहा है, और जब अजीब अजीब सोचने लगता है आपके पास कुछ करने को नहीं होता, सिर्फ एक बात बार 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 रिपीट हो ही जा रही होती है, हो ही जा रही होती है कि यार ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, और फिर इसका हल जो है वो हमेशा कोई दिमाग उल्टा ही सोचता है कि इसका हल इस तरह कर लो कि बस सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ये दिमाग की सबसे अच्छी सबसे इजी सोल्यूशन होता है हमारे दिमाग में दिल में कि यार ये सब कुछ छोड़ दो, और आप लिटरली उन सारी चीजों से अलग हो जाते हो जो कि बाद में एक रिग्रेशन का चीज बन जाती है, एक रिग्रेशन बन जाती है। तो एनीवेज इनके साथ इस इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारी बातें हुई, ये लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, और मैं इनको सब यही समझा रहा था कि असल में परेशानी हल नहीं है, आप जितना काम करें जितनी मेहनत करें, ये नीयत जिस नीयत के साथ आप करें ये अल्लाह को पता है और आपको पता है। ये मैं आपसे जितनी मर्जी स्टोरी सुन लूँ मुझे नहीं पता लगेगा, व्यूअर्स जितना मर्जी देख रहे हैं शायद ही कुछ एक पिंच ऑफ मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल सके, लेकिन वो बंदा जिस तरह से लगा हुआ है वो मैंने देखा है, मैंने सुना है, और वो जिस तरह से उनके इस इंटरव्यू के बाद वो एकदम से बस उसको काबू करना बहुत मुश्किल था, जिस तरह से वो रो पड़े थे। तो आपके सामने स्टोरी को लाने का मकसद ये कि बहुत सारे इन जैसे लोग होंगे, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो हम लोग सुबह को उठ के कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन वो किस तरह से क्या काम कर रहे हैं ये शायद ही किसी को पता है। एनीवेज हम लोग आगे भी इंटरव्यूज आपको दिखाएंगे उनके साथ, जिन दोनों से हम लोगों ने बात की वो भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।